नवीन महेवा गल्ला मंडी में आलू के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मंडी में प्याज का दाम 48 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिसके संबंध में महेवा मंडी के सचिव सेवा राम वर्मा ने बताया कि मंडी में आलू प्याज का आवक भरपूर है। मंडी में प्याज 48 रुपए किलो जबकि आलू 8 रुपए से लेके 12 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि फुटकर में इसका रेट ज्यादा बताया गया है। उन्होंने कहा कि फुटकर में रेट को बढ़ाकर बेचने की सूचना मिल रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वह मंडी में आकर आलू प्याज की खरीदारी करें, जिससे कि उनको उचित रेट पर आलू प्याज मिल सके। वहीं आढ़तियों ने कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिसका असर प्याज के दामों पर देखने को मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आलू प्याज के आढ़तियों एवं मंडी के सचिव सेवा राम वर्मा ने कहा, शिवू एक लाल लाल हमारा नाम शाम सबेज राइन। मंडी में आलू प्याज का रेट क्या है? मंडी में आलू इस समय बिक रहा है आपका 700 रुपये कुंटल का सफ़ेद आलू बिक रहा है, 700 से 750 का रेंज सफ़ेद वाला। और लाल आलू बिक रहा है आपका 8.5 रुपये से लगा के 9.5 रुपये किलो तक का लाल आलू। प्याज इस समय 3-4 जगह की प्याज आ रही है। एक तो आ रही है आपकी बंगाल की आ रही है, बंगाल बिक रही है 36 रुपये से लगा के 38 रुपये किलो तक की बिक रही है। और नास क्या बोलते हैं एक भावनगर की प्याज आ रही है, भावनगर वाली प्याज जो है वो बिक रही है आपकी 40 रुपये से लगा के 42 रुपये किलो तक की बिक रही है। आवक को लेकर क्या स्थिति है? आवक तो आ रही है, आवक तो भरपूर है। आवक में 4 गाड़ी 5 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी आ रही है, भरपूर आई। मार्केट वहीं तेज है, नासिक की सबसे ज़्यादा तेज प्याज बिक रही है इस समय। नासिक की प्याज जो है इस समय बिक रही है आपकी 46 रुपये से लगा के 48 रुपये किलो तक की। अगर देखा जाए तो फुटकर में जाके ये रेट 2.5 गुना बेच रहे हैं। रेट फुटकर में ऑफिशियली 60 रुपये किलो लोग बेच रहे होंगे, इसलिए कि खर्चा भाड़ा पड़ जाता है इस पर 2 रुपये किलो, तो उसका खर्चा भाड़ा पड़ जाता है, तो उसमें 60 रुपये किलो से नीचे कम बेचने का हिसाब किताब बहुत कम बनता है। सलीम, आलू जो है बिक रहा 9 रुपये का लेके 7 रुपये तक। बढ़िया आलू सफ़ेद जो है 7 रुपये का, लाल जो है 8.5-9 का बिक रहा है। प्याज आपके बिक रही है 45-47-48, नासिक वाली 48 की और गुजरात वाली जो है 42 रुपये की। आपको लेके क्या स्थिति है? अब आगे तेज है, भाड़ा बढ़ रहा है, पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ रहा, तो यहाँ पे जो पैदा होता नहीं सब उधरी से आता है, सब उसी पे रख के बेचना पड़ता है। मंडी भी देना है उसमें 2.5%। अरे आपको 1% हो गया? कहाँ, 1.5% ले रहे, कोई आदेश नहीं है यहाँ पे। हमारा नाम संजय शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल सब्जी फल थोक विक्रेता कल्याण समिति महेवा मंडी गोरखपुर। आलू और प्याज का रेट इस समय जो है, जो आलू है वो 8 से 10 रुपये किलो थोक भाव में है, और प्याज जो है वो आपका समझ लीजिए कि 40 रुपये किलो के रेट से जो है 4000 रुपया कुंटल है। अगर देखा जाए तो फुटकर में यही मतलब आलू और प्याज जाके इधर 2.5 गुना का रेट बिक रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अगर 2.5 गुना अगर बिक रहा है तो इस पर तो भाई हम लोगों का कोई नियंत्रण तो है नहीं, क्योंकि मैं व्यापारी प्रतिनिधि हूँ तो मैं यहाँ की स्थिति को बता सकता हूँ। और शहर के मामले में और फुटकर पे अगर रिजल्ट करना है तो इस पर जिला प्रशासन की सक्रियता होनी चाहिए, वो मूल्य पे नियंत्रण करने की कोशिश करें जो भी उसके पास संसाधन हो। ये तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि आम जनता को इस महंगाई के दौर में भी अगर आवश्यक वस्तु भी अगर महंगी मिलेगी तो वह उसे परेशानी होगी ही। नागरिकों से क्या अपील है, कहाँ खरीदारी करें, क्या करें? और नागरिकों से मैं अपील है कि अगर वो शहर के क्षेत्र में रहते हैं तो उन्हें मंडी परिसर में अगर सस्ता मिलता है तो आकर के यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए।
अब मंडी में समय आलू और प्याज का रेट क्या, आवक की क्या स्थिति है? आलू मंडी में होलसेल 600 से 800 रुपए के बीच में बिक रहा है और लगभग 10 ट्रक की आवक पर डे बनी हुई है। और प्याज 3500 से 4500 तक का होलसेल का रेट यहाँ चल रहा है। प्याज की आवक लगभग 5 ट्रक पर डे की हो रही है। देखा जाए तो बाहर का रेट काफ़ी अधिक दामों में बिक रहा है, दोगुना से लगभग 2.5 गुना करीब बिक रहा है, क्या ना कैसे लोग क्या कर रहे हैं आम नागरिक? मंडी में हमारे ये महवा मंडी में लगभग एक एवरेज रेट कहिए तो 10 रुपये किलो आलू बड़े इजली यहाँ पर मिल रहा है और प्याज भी लगभग 45 से 50 रुपये किलो की प्याज, 45 रुपये से की प्याज भी मिल जा रही है। मेरा लोगों से एक अनुरोध है कि थोड़ा दूरी भले हो आकर के मंडी यार्ड से ही खरीदारी करें, जिससे कि कम से कम दाम पर उनको अच्छा सामान मिलेगा।